पहले ही पाकिस्तान भारत के जो ताल्लुकात हैं वो अमूमन अच्छे नहीं रहते, लेकिन अभी इंडिया के एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये प्रपोज किया है जनाब के पाक भारत जो क्रिकेट सीरीज है उसको, जो क्रिकेट मैच है जो कि आई थिंक 24 अक्टूबर को हो रहा है, उसको जो है वो कैंसिल कर दिया। भारत की इंतहा पसंद सियासी जमात बीजेपी पाक भारत मैच की मुखालिफत कर रही है, जबकि दिल्ली तख्त की वारिस आम आदमी पार्टी भी दोनों ममालिक के दरमियान मैच ना कराने के लिए मुहिम चला रही है। विफाकी वजीर गिरिराज सिंह जो कि माजी में अपने मुतनाज बयान की वजह से खबरों में रहते हैं, अब की बार भी ये मुहिम उन्हीं के बयान से शुरू हुई है। बीजेपी के राज्यसभा रुकन सुब्रमण्यम स्वामी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी और आम आदमी पार्टी की रहनुमा और एमएलए आतिशी मारलीना के मुतनाज बयान ने जनती पर जैसे तेल का काम किया है, लेकिन कांग्रेस रहनुमा और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने पाक भारत मैच की हिमायत की है। यही नहीं, इस वक्त मीडिया पर क्या दिखाई दे रहा है और भारतीय मीडिया के बयान क्या तासुरात दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ भारत में हो रहा है पाक भारत टाकरे को लेकर। सवाल यह है कि भारत में मैच की मुखालिफत क्यों की जा रही है, मैच की मनसूखी से किसे और कैसे नुकसान हो सकता है, इसी मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय साफी रविश बिष्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रविश बिष्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाक भारत टाकरा है, क्रिकेट के मैदान में एक खेल होगा, लेकिन क्या वजह है कि भारत में, अगर हमारी जबान में कहें तो एक वावेला बचा हुआ है, लेकिन अगर आपकी जबान में कहिए तो हाहाकार मची है, इस हाहाकार की वजह क्या है? रविश बिष्ट साहब, क्या इतना ही खौफदारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? एक फैक्टर एक्साइटमेंट का, इंडिया पाकिस्तान मैच जब भी होता है तो एक्साइटमेंट जरूर होता है, हाहाकार वाली कोई फीलिंग नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज अपर हैंड। अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें और आईसीसी स्पेशली जिसमें वर्ल्ड कप लिखा होता है उसकी बात करें तो इंडिया का अपर हैंड है, स्पेशली टी ट्वेंटी गेम की भी अगर आप बात करें, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जिसको पहले वर्ल्ड टी ट्वेंटी के नाम से जाना जाता था, तो 5-0 का इंडिया का रिकॉर्ड है और इंडियन जो फैंस हैं, जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफा 6-0 होगा व्हाटसोएवर। लेकिन ये तो इवेंट डे पे पता चलेगा कि ऑन डे ऑन कार्ड्स कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो जिस वक्त मैदान में उतरेंगे तो लग पता जाएगा, जिसको कहते हैं रविश बिष्ट साहब। तो इस वक्त इंडिया के अंदर क्या सेंटीमेंट है? ऑल दो आप ये कह रहे हैं कि 5 दफा आपने पाकिस्तान को हराया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के साथ आप मैदान में उतरते हैं तो एक बार सोचना तो पड़ता है आपके प्लेयर्स को भी, काफी अंडर प्रेशर होते हैं, ना सिर्फ आपके प्लेयर्स होते हैं बल्कि भारत भर के अंदर एक परेशानी चल रही होती है कि पाकिस्तान से मैच पड़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा होता होगा मुझे लग रहा है, इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमने वो क्लिपिंग्स चलाई है सारे जो आपके चैनल्स बोल रहे हैं, आपके वॉक्स पॉप चलाए हमने, जो आपकी पब्लिक बोल रही है, आपकी जनता को भी सुनाया हमने, तो काफी वहां पर तो इस वक्त यूं कहिए कि एक धाक बैठी हुई है पाकिस्तान की। ये ऐसे क्लिप्स पाकिस्तान के भी बहुत सारे चलते हैं और पाकिस्तान के हमें विजुअल नहीं भूलने चाहिए, टीवी तोड़ने वाले बड़े विजुअल चलते हैं, तो पाकिस्तान के भी बड़े सारे विजुअल चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। 1996 में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था बेंगलुरु में, तो पाकिस्तान हार गया था उस मैच को, अगर आपको याद होगा, बड़ा आमिर सुहेल वेंकटेश प्रसाद की बड़ी लड़ाई देखने को मिली थी वहां पे। उसके बाद पाकिस्तानियों ने वो वहां की फ्लाइट नहीं पकड़ी थी, पाकिस्तान की, वो यूएई की फ्लाइट पकड़ के चले गए, तो उनको पता है क्या होने वाला है। एंड जब 2003 में हारे, मुझे याद है सकलेन मुश्ताक का इंटरव्यू है कि वो सकलेन मुश्ताक उस मैच में खेला भी नहीं था, उसके घर में सारे लोग पहुंच गए थे और बोला सकलेन को पाकिस्तान की बोलिंग लाइन पूरी दुनिया में मशहूर रही है, लेकिन यही पाकिस्तान 2007 में बॉल आउट में विकेट नहीं गिरा पाई, हमारे रॉबिन उथप्पा ने बॉल आउट में पाकिस्तान को विकेट गिरा दिया। रमेश साहब, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, इतनी बड़ी लॉबी, लोगों को ममालिक को साथ मिलाकर चलते हैं, इसके बावजूद अगर पाकिस्तान इतनी छोटी टीम है, पाकिस्तान आपके नजदीक बिल्कुल केपेबल नहीं है, तो फिर इतना डर और खौफ क्यों है? मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल है, बिल्कुल बड़ा सादा सा सवाल है, अगर आप मेरे सवाल को रिस्पॉन्ड करें। भाई कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ये आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, कोई डर कोई खौफ नहीं है, एक सब मैच क्रिकेट मैच है, आवाम इसको उसी तरीके से ले रही है, जैसा मैंने कहा कि एक्साइटमेंट लेवल होता है, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस इतने नहीं होते, तो यूएसपी जो बनती है वो आईसीसी मेरे ख्याल से टूर्नामेंट्स में ही बचती है। आर यू रियली रेडी टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान? आप तैयार हैं? एब्सोल्युटली। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वी प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2019 50 ओवर वर्ल्ड कप एंड वी बीट देम। नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक खौफ रहता है, एक डर रहता है, तो आपके वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, हमारी बड़े बड़े खिलाड़ी लेकर आए, 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान, वसीम अकरम, बड़े बड़े खिलाड़ी उनके पास थे, नहीं जीत पाए, इंडिया ने कोई ज्यादा बड़ा टोटल नहीं बनाया था 92 वर्ल्ड कप में, तो 96 अपने घर में खेला, इमरान खान साहब फाइनल खेला, आपने नाम ले लिया है, वसीम अकरम कैप्टन, तब वो मैच हार गए। 2003 का बोलिंग लाइनअप देख लीजिए, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, अजहर महमूद, सकलेन मुश्ताक, पाकिस्तान हार गया। अभी अंदाजा लगाने और जिस तरह के उनके सियासतदान बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वजाहत की ये आईसीसी का इवेंट है, हमें हर कीमत पे खेलना होगा, तो वो तो खुद आसान जंग बनाना चाहते हैं, इसको खेल को खेल लेना चाहिए, दो टीमें अगर मैदान में उतरती है, एक जीतती है एक हारती है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी, हालांकि मैं मेरे जो उस पर सोशल मीडिया पे ट्विटर हैंडलर पे बेशुमार भारतीय लोग हर तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं और कुछ जाहिल भी हैं, तो हमें इन सब चीजों को नजरअंदाज करके, ये आसाब की जंग है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं रेहान कि भारत की टीम खासी मजबूत है। अभी भारत ने आज जो मैच हुआ उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच, उसने 9 विकेटों से जीता, विराट कोहली ने आज बैटिंग नहीं की, रोहित शर्मा ने रन कर दिए और दीगर लोग, तो अगर देखा जाए तो भारत की टीम मजबूत तो है।
और पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती रान ये रही है कि पाकिस्तान के चार मैच वेस्ट इंडीज में जाए हुए बारिश की नजर हो गए, पाकिस्तान के पांच मैच न्यूजीलैंड से और दो इंग्लैंड से होना था, होने से दोनों टीमें नहीं आई। तो पहले ही पाकिस्तान भारत के जो ताल्लुकात हैं वो अमूमन अच्छे नहीं रहते, लेकिन अभी इंडिया के एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये प्रपोज किया जनाब के पाक भारत जो क्रिकेट सीरीज है उसको, जो क्रिकेट मैच है जो कि आई थिंक 24 अक्टूबर को हो रहा है, उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। दिस इज व्हाट ही हैज सजेस्टेड। और आपको पता है कि ये 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है और इससे ये हो सकता है कि मजीद पाक भारत मामला खराब हो सकते हैं, और फिर उन्होंने कहा टिकट बड़ी एक्सपेंसिव है एंड सो एंड सो। देखिये इसमें ये क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये क्यों इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है? अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कोई नरम चीज आई है, हमने तो क्रिकेट को तबाह करके रख दिया, हमने तो मिलना मिलाना भी बंद करके रख दिया। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस तरह की चीजें पसंद करते होंगे कि क्रिकेट मैच ना हो, लेकिन पाकिस्तान से नॉर्मली इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई। अब अगर ये इंडिया इस तरह करता है, जो कि वो कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आईसीसी इन्वॉल्व है और आईसीसी इस मसले को बड़ा सीरियसली वो लेगा कि अगर वो इंडिया कहता है कि हमने खेलना ही नहीं है, लेकिन ये जो सिचुएशन है हम तो ये चाहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाक भारत क्रिकेट सीरीज हो, बेशक इंडिया में मैच हो, पाकिस्तान में मैच हो, माहौल को एक अच्छी तरफ लेके जाए, लेकिन एक रेगुलर T20 वर्ल्ड कप के मैच को कैंसिल करने की बात करना वो तो कितनी एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है उधर। लेकिन अगर ये बातें जो है वो इंडियन पंजाब के जो मिनिस्टर प्रकाश सिंह साहब की मान ली जाए और गिरिराज सिंह साहब की मान ली जाए कि जी कश्मीर के मसले को है तो हमें नहीं खेलना चाहिए, पर मजे की बात है कि पाकिस्तान आज तक कभी कभी इंडिया से वर्ल्ड कप मैच जो है वो कहते नहीं जीता, मतलब कभी भी नहीं जीता। और मैं देख रहा था कि जो हमारे पीसीबी के क्रिकेट के नए चेयरमैन आए हैं वो कह रहे थे जनाब के मैं एक ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं, ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं, अगर एक ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं अगर पाकिस्तान जो है क्रिकेट टीम है वो इंडिया से मैच T20 जीत जाए। अब एक तरफ तो हमारी टीम को लाले पड़े हुए हैं कि भाई वो माजी की वो जो रेपुटेशन है उसको ठीक करना है, और वो रेपुटेशन अगर हमने ठीक ना की, वो अगर ना हुआ तो हमें एट होम सारा टाइम फिर उनके ऊपर प्रेशर आता है। इंडिया की टीम बड़ी तगड़ी टीम है, कोहली हैं और बहुत बड़े बड़े नाम है इंडिया के अंदर। मैं तो कल किसी से पूछ रहा था, मैं तो वैसे पर्सनली क्रिकेट नहीं देखता लेकिन ये मैं क्रिकेट देखूंगा ये मैच, उसकी वजह ये है जस्ट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। नॉर्मली मैं मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है बिकॉज वो इसीलिए पसंद नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमेशा ही हार जाते हैं,